सिक्किम से आने लगी डरावनी तस्वीरें। एक ही रात में सिक्किम ने देख लिया एक ऐसा मंजर जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, केवल सिक्किम वासियों के ही नहीं बल्कि पूरे भारत वासियों के। सब जेवर जाती सपई गयो, मेरा सपई सामान नया नया दिया करे को चोरा को सपई गयो मेरा। A devastating story. Flash flood is wrecking havoc. The deluge has submerged vast swathes of land. It has washed away roads and bridges. बड़ी खबर सिक्किम से। बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ और सेना के 23 जवान हमारे लापता हो गए। आई ले चाहिए यस पाली से फर्स्ट टाइम हो इस तो अलीली बढ़ती हो इस तो डेंजर हो दही नहीं हो आई ले समान ऐसे ही आज जब कौशल गवर्नू की गवर्नू। बादल के फट जाने पर हुआ ऐसा हश्र कि चारों तरफ तबाही ही तबाही मच गई। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा डिजास्टर, लेकिन क्या किसी को भी ऐसे डिजास्टर होने की आशंका नहीं थी? क्या ये सब कुछ अचानक हुआ? क्या किसी ने भी इस पर पहले रिसर्च नहीं की थी? सवाल तो क्या क्या उठेंगे, लेकिन सवालों के साथ साथ लोगों के मरने और लापता होने की खबरें आने लगी। सिक्किम की तिस्ता नदी ने एक ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि रास्ते, पुल और घर टूटकर बिखरने लग गए। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, हमारे देश की शान, हमारे देश के जवान, हमारे वीर सैनिक भी कुदरत की इस मार को झेल नहीं सके। खबरें आई कि भारतीय सेना के 23 जवान सिक्किम में लापता हो गए। लेकिन एक मिनट, ये खबर आपको कहीं सुनी सुनी नहीं लग रही? अगर नहीं तो चलिए 10 साल पहले चलते। बिल्डिंग वहां से बहरे जैसे ताश के पत्ते नहीं होते। मैंने कम से कम लाखों लाशे देखी। मारने है तो इधर ही मारने। Right now we are standing just behind the Kedarnath temple. जब पूरा भारत शॉक हो गया था केदारनाथ में आई बाढ़ की तबाही से, एक ऐसी तबाही जिसमें कई हजार संख्या में लोग बह गए और कई लोगों के शव तो कभी मिले ही नहीं। आज सिक्किम भी कुछ ऐसा ही दृश्य पूरे विश्व को दिखा रहा है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन होगा? कुदरत किसी की नहीं सुनती, प्रकृति को काबू में नहीं किया जा सकता कहकर क्या सब कुछ यूं ही छोड़ देना और मदर नेचर पर ब्लेम कर देना सही होगा? इस बात का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आज सिक्किम के जो हालात हैं उसकी जिम्मेवारी किसे लेनी चाहिए? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पहले भी एक ऐसी ही वीडियो बनाई थी जिसमें सिक्किम और दार्जिलिंग के हिस्सों को हमने जोशीमठ 2.0 बताया था। कभी जोशीमठ तो कभी केदारनाथ, हम इसी तरह से वीडियो बनाकर आपको सचेत करते रहेंगे। लेकिन क्या इससे तबाही का यह हश्र रुकेगा? नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं सिक्किम में ये सिचुएशन आई कैसे। सिक्किम की ये कहानी बिल्कुल केदारनाथ जैसी ही है। नॉर्थ सिक्किम के मंगन जिले की ऊंचाई पर स्थित है एक इलाका चुंगठांग, जिसके हिमालय क्षेत्र पर बनी है साउथ लोनाक ग्लेशियल झील। इस झील के ऊपर एक बादल फटता है और बेहद ही तेज गति से पानी नीचे गिरता है। पानी की तेज बहाव के कारण झील की दीवारें टूट जाती है और पानी निचले इलाकों में बहने लग जाता है और सारा असर पड़ता है तिस्ता नदी पर। लोनक ग्लेशियर झील लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। करीब 260 फीट गहरी झील लगभग 2 किलोमीटर लंबी और आधी किलोमीटर चौड़ी है। अब आप सोच ही सकते हैं कि इस झील से जब पानी नीचे आएगा तो अपने साथ कितना मलबा लेकर आया हो। वैसे इसी बीच एक और रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आई है। सेव द हिल्स के फाउंडर प्रफुल्ल राव का कहना है कि लोनक लेक के ऊपर बादल फटने की खबर के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार जब किसी स्टेशन पर एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उस इवेंट को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। हालांकि 1 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 का रेनफॉल डेटा ये बताता है कि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जो कि नॉर्थ बंगाल में है, वहाँ नॉर्थ सिक्किम के मुकाबले कई ज़्यादा बारिश हुई। प्रफुल्ल राव के अनुसार लोनाक ग्लेशियर के ऊपर जो बादल दिखाई दिए हैं वो क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन को लाने वाले क्लाउड है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। तिस्ता नदी के पानी पर कभी आसपास की हरियाली रिफ्लेक्ट होती है तो कभी आसमान, लेकिन आज इस नदी का रंग बदल गया है मिट्टी के रंग के साथ। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ? क्या किसी को नहीं पता था कि भविष्य में इस झील का पानी इतनी बड़ी आपदा का कारण बन सकता है? इसका जवाब हम आपको जरूर देंगे, लेकिन पहले आपको जान लेना चाहिए
कि सिक्किम हिमालय की तीस्ता बेसिन में ऐसे कई हाई ऑल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक हैं और उन्हीं में से एक लेक है साउथ लोनाक लेक। 2020 की साइंस डायरेक्ट की जियोमॉर्फोलॉजी की एक रिपोर्ट में ये पहले ही बताया जा चुका था कि साउथ लोनाक लेक एक फ्यूचर GLOF यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बन सकता है। बताया जा चुका था कि इस झील का एरिया बढ़ता ही जा रहा था और इसका मुख्य कारण था ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर का पिघलना। 2013 की केदारनाथ बाढ़ भी चोराबारी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होने के कारण बनी बाढ़ थी। हालांकि सिक्किम के ये लेक्स ऐसे इलाकों में हैं जहां ह्यूमन सेटलमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन आपदा जब बड़ा रूप ले ले तो फिर ये कई हजार किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इस क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियां बड़े नेचुरल डिजास्टर का रूप ले सकती है। तो फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर के हिमालय बेल्ट हो या अरुणाचल प्रदेश की, उत्तराखंड हो या दार्जिलिंग या फिर सिक्किम, खतरा चारों तरफ ही है। और 4 अक्टूबर 2023 को भी कुछ यही हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार सिक्किम की बाढ़ एक दिन पहले मिडनाइट में शुरू हुई, जिसका खतरा भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बन गया। और ये खतरा सिर्फ सिक्किम के लिए ही भी नहीं, वेस्ट बंगाल की 4 डिस्ट्रिक्ट्स दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूचबिहार के लिए भी बढ़ गए। रिपोर्ट्स के अनुसार सिक्किम के चुंगथांग में इस बाढ़ की शुरुआत 4 अक्टूबर 2023 को सुबह 1 बजे हुई और कुछ ही घंटों में इसका पानी लोअर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि मंगन, गैंगटॉक, पाक्योंग और नामची तक पहुंच गया और फिर शुरू हुआ तबाही का मंजर। ईस्ट मोजो की रिपोर्ट से पता चलता है कि मंगन डिस्ट्रिक्ट में टुंग और फिदांग ब्रिज टूट गए। फिदांग में 4 घर और डिक्चू में 2 घर पानी में ही बह गए। यहाँ तक कि कई लोगों का नाम भी मिसिंग लिस्ट में दर्ज हो गया। गैंगटॉक जिले से SDRF की टीम ने 25 लोगों को रेस्क्यू किया और नुकसान नामची डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, जहां LD काजी ब्रिज और इंद्रेणी ब्रिज नदी के बहाव में पूरी तरह टूट गए। इस रिपोर्ट के बनने तक लगभग 2400 लोगों को रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया जा चुका था, लेकिन पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में ही 23 आर्मी के जवानों के गायब हो जाने की रिपोर्ट बेहद ही तेजी से फैलने लगी, जिसमें से 2 जवानों को रेस्क्यू तो कर लिया गया लेकिन 8 जवानों की मौत हो गई। और इसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबरें टेलीकास्ट की जाने लगी। 23 जवान हमारे लापता हो गए। वरना आप सभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिश्तों के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार फिर से वही सवाल, क्या इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी? गलत। 2013 में ही डाउन टू अर्थ में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें सिक्किम को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बताया जाता है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साइंटिस्ट के अनुसार साउथ लोना ग्लेशियर लेक लूज मिट्टी और मलबे से बना है, जिसे मोरेन कहते हैं, और अगर ये टूटने लगते हैं तो भारी नुकसान कर सकते हैं और इसकी रिस्क प्रोबेबिलिटी थी वेरी हाई। ये हमने आपको पहले भी बताया था और ये बात आपकी जानकारी में होनी भी चाहिए कि सिक्किम अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। इसका मतलब ऐसे रिस्क जोन में अगर अर्थक्वेक आता है तो इन ग्लेशियर लेक्स का टूट जाना कोई आम बात नहीं होगी। ऐसे ही भूकंप साउथ लोनाक लेक के पास 1991 और 2011 में पहले भी आ चुके हैं। और अगर अर्थक्वेक की ही बात की जाए तो कई रिपोर्ट्स ऐसे भी कहती हैं कि 3 अक्टूबर को नेपाल में आया 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी एक रीज़न हो सकता है सिक्किम में आई तबाही के पीछे। कई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे जियोलॉजिकल इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर हो सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के एक ऑफिसर का कहना है कि सिक्किम का लोनाक लेक पहले से ही वल्नरेबल था, जो कि शायद नेपाल के भूकंप के कारण और भी कमज़ोर हो गया। इस डिजास्टर के बाद स्पेस एजेंसी इसरो ने भी सैटेलाइट इमेजेस जारी की, जिससे ये पता चला कि लेक का लगभग 65% पानी ड्रेन हो गया, जो कि लगभग 105 हेक्टेयर पानी था। इन इमेजेस से ये भी पता चलता है कि 17 सितंबर 2023 को लेक में 162.7 हेक्टेयर पानी था, जो कि 28 सितंबर को बढ़कर 167.4 हेक्टेयर पानी हो गया, यानी कि लेक बेहद ही तेजी से बढ़ रहा था। अब सवाल आता है कि क्या साउथ लोनाक लेक से भविष्य में खतरा है? ये जानकारी होने के बाद क्या कोई कदम ही नहीं उठाए गए? 2018 में लिखी गई डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार डिजास्टर मैनेजर और साइंटिस्ट ने सिक्किम के उन सभी ग्लेशियर झील पर अपनी नज़र बनाई रखी थी जिनसे भविष्य में खतरा हो सकता है, जिसके लिए अगस्त 2014 में स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट और सिक्किम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज ने इस थ्रेट से बचने के लिए साइफनिंग का सुझाव दिया।
और 2 साल बाद 2016 में ही झील से एक्सेस वाटर को हटाने के लिए साइफनिंग का प्रोसेस शुरू किया गया। साइफन इन्वर्टेड पाइप्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करके एक रिजर्वर से पानी बाहर निकालने के काम करते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साउथ लोनक लेक से ही की गई थी, जहाँ हाई डेंसिटी पॉलीथाइनिल पाइप्स इंस्टॉल किए गए थे। सिक्किम स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के धीरेन्द्र श्रेष्ठा के अनुसार इस लेक में 3 पाइपलाइंस इंस्टॉल किए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि 17,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर इन पाइपलाइंस को पहुंचाया कैसे गया। दरअसल इन पाइप्स को पहुंचाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके लिए याक्स का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद एक और एक्सपेडिशन इस लेक में सितंबर 2016 में सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ITBP और लद्दाख के स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट के लीडर सोनम वांगचुक द्वारा किया गया था, जिन्होंने ये पाया कि इस लेक में भारी मात्रा में इंजीनियरिंग के काम करना पॉसिबल है ही नहीं। सोनम वांगचुक की ही कंसल्टेंसी में पाइप्स इंस्टॉल किए गए जो कि लगभग 140 मीटर लंबे थे और 1 सेकेंड में 150 लीटर पानी पंप आउट कर सकते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सिक्किम हिमालयन रीजन में ऐसे 14 ग्लेशियर लेक हैं जिनसे सिक्किम के लोअर रीजन को भविष्य में बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ डेंजरस लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स की क्वांटिटी तो 733 हैं, जिसमें से 288 5,000 मीटर से ज़्यादा अल्टीट्यूड पर। लेकिन जो हो चुका उसे कैसे बदला जा सकता है, सोचना तो ये है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बनने तक सिक्किम की इस बाढ़ के कारण 27 लोगों की मौत हो चुकी थी, 142 लोग मिसिंग थे और पूरी तरह मुमकिन है कि ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। 3,000 से ज़्यादा टूरिस्ट राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में फंसे हुए थे और 14 ब्रिजेस टूट चुके थे। इस बाढ़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चुंगथांग हाइडल पावर प्रोजेक्ट। 1200 मेगावाट का ये मेगा टीस्टा स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक अहम सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के। लेकिन उस भयावह रात में झील का पानी इस बांध तक पहुंच जाता है और ये डैम टूट जाता है। नतीजन 5 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस रिजर्वर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी देख चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चुंगथांग में आफ्टरमैथ सिचुएशन कैसी है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट या NDRF अपना रोल अदा कर रही है? तो जवाब है नहीं। 7 अक्टूबर 2023 यानी आपदा के 4 दिन बाद सिक्किम क्रॉनिकल्स की एक रिपोर्ट आती है जहां वो सवाल उठाते हैं वेयर इज NDRF। जब न्यूज़ रिपोर्टर्स, रिलीफ मटेरियल्स, स्टेट पुलिस और लोकल MLA वहां पहुंच सकते हैं तो NDRF क्यों नहीं, जिस वजह से यहाँ किसी भी तरह के रेस्क्यू वर्क की शुरुआत ही नहीं हुई है। So I report this from North Sikkim, Chungthang, a place which has now been devastated completely and totally because of October 4th. Whatever happened, we can visibly see here the devastation of Chungthang is now visible to all. The scale of destruction cannot be put in words. But the big question lies and arises here is where is NDRF? क्या आने वाले दिनों में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सकता है? इसका जवाब अभी के लिए तो ना ही होगा, लेकिन इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना लोगों के हाथ में ही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सितंबर 2023 में ऐसे ही 2 रिस्क लेक्स का दौरा किया ताकि ऐसे रीजन्स में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार NDMA का अगला प्लान भारत के 56 रिस्की ग्लेशियर लेक्स में फ्लड वार्निंग सिस्टम लगाना है। ऐसे ही फ्लड वार्निंग सिस्टम भूटान के लेक्स में भी इंस्टॉल किए गए जो कि फ्लड सिचुएशन होने से पहले ही वेस्ट बंगाल और असम में वाटर लेवल और रेनफॉल का डेटा भेज दिया करते हैं। भूटान में आज लगभग 28 फ्लड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि मॉनसून सीजन में हर 1 घंटे का डेटा इंडिया भेजा करते हैं। खैर, सिक्किम में तबाही को रोका नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इससे एक सवाल ज़रूर उठता है और शायद हर सिक्किमवासी भी इसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे, क्या ये डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर था या फिर मैन मेड डिजास्टर? हिमालयन प्लेट पर इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर्स बनाना क्या खतरे से खाली नहीं है? सरकारों को और बिल्डिंग कंपनीज को ये बात समझनी होगी कि डेवलपमेंट जब अनप्लान्ड हो जाती है तो वो डेवलपमेंट नहीं डेवलपमेंट बन जाती है। 5,000 पूरा हाईवे रीजन में, अरे गाँव इधर में तो गाँव भी कलैप्स है देखिए, और एक आगे में बड़ा टूरिज्म का उन लोगों को टेंट था, राफ्टिंग था, गाड़ी था, सब लेकर ये अब जो हम लोग जहाँ खड़ा है उधर आदमी लोगों का मकान था, मकान ही चला गया
आपको आपको सबको मालूम है, आप खुद का मकान जाने का दुख उन लोगों के पास ही है। अभी हम लोग भी इधर में लोग एक बड़ा कैंप लेकर अभी का लिए उन लोगों का फूड वाटर सोर्स कपड़ा सब हम लोग देख रहे हैं उन लोगों को। लेकिन डेवलपमेंट हो भी रही है तो किसके लिए? अगर सरकारों का ये कहना है कि इस डेवलपमेंट से लोगों को सुविधा मिलेगी, लोगों को फायदा होगा, तो क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर ये सुख सुविधाएं आप किसे देने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि अगर ये रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिकली अवेलेबल थी तो इस पर सीरियसली ध्यान क्यों नहीं दिया गया? हमने आपको पहले भी बताया था कि सिक्किम की डिक्चू हिल्स के लोगों ने लैंडस्लाइड का रीज़न एनएचपीसी के टीस्टा हाइडल प्रोजेक्ट्स को दिया, जिससे ये तो पता चलता है कि लोगों को बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स को जो कि एक नदी के नेचुरल फ्लो को कंट्रोल करते हैं उनके बारे में पता ज़रूर है। लेकिन क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके बनाए जाते हैं सरकार उसे बनाने से पहले कोई निरीक्षण ना करे? ये बात कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन तो ज़रूर क्रिएट करती है। खैर, सरकारों की ही अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से गुहार जरूर लगाई कि दोनों ही सरकारों को अब मिलकर सिक्किम जैसे खूबसूरत राज्य को रीबिल्ड करना चाहिए क्योंकि बाढ़ से काफ़ी नुकसान हो चुका। 2013 की केदारनाथ ट्रेजेडी के बाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की सुनीता नारायण ने बीबीसी से कहा था कि अगर सरकारें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नियम बना सकती है तो पहाड़ों पर हो रहे एक्सेसिव टूरिज्म पर क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि विकास होना ज़रूरी है लेकिन विनाश नहीं। जियोलॉजिकल रीजन से हो रहे ऐसे कई बड़े बदलाव और डिजास्टर्स के बारे में आप और डिटेल में हमारी वीडियो जोशीमठ 2.0 सिक्किम एंड दार्जिलिंग फायर्स देख सकते हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसी कई स्टोरीज लेकर द कॉर्ड आपके साथ बना रहेगा, तब तक के लिए शुक्रिया।